हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा लेक्चर है ऑन द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल पे। उसमें मेरा सब टॉपिक है क्रिटिकल पार्ट मेथड का न्यूमेरिकल नंबर 1। ओके, सो देखिए, सम दिया हमारे सामने। कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग फ्रॉम ए टू जेड। ए बी सी एक्टिविटी दी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। इंटरमीडिएट प्रेडेसर दिए हुए, उसके मतलब जो उस पर डिपेंड करते हैं वो एक्टिविटी दिए है। देन ड्यूरेशन दिए है इन मंथ में। क्या बोला गया आपको देखिए, कंस्ट्रक्ट द सीपीएम नेटवर्क, डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ, कंप्यूट टोटल फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, फ्री फ्लोट, ईएसटी, एलसीटी, ईएफटी, एलएसटी, एलसीटी और स्लैक। ओके, ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो है मेरे जो इसके पहले के लेक्चर थे, ओके, जो मैंने फॉर्मूला लिए थे इसके ऊपर, इसका व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल पाथ था, ये एक बार आप देख लीजिए। ओके, और ये हाथ में रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप एक बार देख लीजिए इसको। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेटवर्क। मैंने नेटवर्क के ऊपर भी लेक्चर लिए हुए हैं, ओके, पिछले लेक्चर्स में आप देख लीजिए होगी। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल नेटवर्क पहले बनाएंगे, फिर नेटवर्क बनाने के बाद हम लोग सीपीएम नेटवर्क बनाएंगे, ओके, क्रिटिकल पार्ट नेटवर्क बनाएंगे। ओके, सो देखते हैं हम लोग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेटवर्क। नेटवर्क आपको पेंसिल से बनाना है पहले। ओके, देखिए क्या देखे यहाँ पे, एक्टिविटी कितना है मेरे पास, एक्टिविटी ए है। एक्टिविटी ए किस पे डिपेंड करता है क्या? नहीं, किसी पे डिपेंड नहीं करता है ना। तो यहाँ पे पहले बनेगा मेरा एक्टिविटी ए। तो देखिए यहाँ पे एक्टिविटी ए, एक्टिविटी ए के ऊपर कितने लोग डिपेंड करते हैं? एक, दो, तीन लोग आ रहे हैं, मतलब बी सी और डी डिपेंड करता है। यहाँ पे लिख लेगा बी, यहाँ से सी और यहाँ से डी। ओके, मुझे पता नहीं, मैं रैंडम निकाल रहा हूँ ऐसा, आपको भी ऐसे ही निकालना है, बाद में आपको फेयर करना है इसको। देन एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी डी यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्टिविटी, एक्टिविटी डी के ऊपर क्या आ रहा है, ई और एफ आ रहा है। तो ये रहा एक्टिविटी डी, क्लोज हो गया यहाँ पे से नंबर 1, ये 2, ये यहाँ पे 3। एक्टिविटी डी के ऊपर क्या आ रहा है, ई और एफ। से एग्जाम्पल इसको बोलिए यहाँ पे ई और यहाँ से बोलिए एफ। नाउ अभी एक्टिविटी ई के ऊपर क्या आ रहा है, डायरेक्ट जी आ रहा है। एक्टिविटी ई के ऊपर क्या आ रहा है, डायरेक्ट जी आ रहा है। ओके, नाउ एक्टिविटी ई के ऊपर जी आ रहा है। नाउ अभी देखो, एक होने से पहले और क्या है यहाँ पे, एफ और जी, एफ और जी पे क्या आ रहा है, एच आर। क्या करोगे, इसको एफ कर दो और इसको ई कर दो। ओके, उल्टा कर दो, इसको एफ कर दिया मैंने। ओके, रेड पेन यूज करता हूँ मैं, ओके, नहीं तो ब्लू यूज करता हूँ। इसको एफ कर दिया, इसको ई कर दिया, तो ई पे क्या आ रहा है, डायरेक्टली जी आ रहा है। सी ए नंबर 4 और यहाँ से जी आ रहा है। तो यहाँ से एफ और जी को मैच करो, एफ और जी से क्या आ रहा है मेरा, एच आ रहा है। ओके, से एच को ऐसा निकाल दो ना। होने के बाद सी और एच, ठीक है, ये रहा सी, ये रहा एच, तो सी और एच को ज्वाइन करो। सी और एच क्या आ रहा है, सी और एच से आई आ रहा है, से इसको आगे लेके जाओ आई। नाउ जे, जे एक्टिविटी कहाँ से आ रहा है, बी से आ रहा है, तो से एग्जांपल इसको 4 हो गया, ये 5, ये 6, यहाँ पे इसको क्लोज करो, से 7। 7 होने के बाद इसको बोलो एक्टिविटी जे, अभी दो जो एक्टिविटी, ये एक्टिविटी और ये एक्टिविटी, जो ओपन एक्टिविटी उसको क्लोज कर दो और इसको बोलो 8, एक्टिविटी 8। ओके, नाउ ये बन गया मेरा बेसिक नेटवर्क। नाउ मुझे बनाना है यहाँ पे अभी सीपीएम नेटवर्क। क्या बनाना है मुझे, सीपीएम नेटवर्क। सीपीएम नेटवर्क में मुझे क्या क्या लगेगा देखिए ध्यान से। सीपीएम नेटवर्क में लगता है मुझे यहाँ पे एक नंबर आएगा, दो पार्ट में डिवाइड होता है। यहाँ पे जो नंबर होगा इस कॉल्ड एज इवेंट नंबर, क्या बोलते हैं, इवेंट नंबर, जो कि मैंने लिख दिया है, इस कॉल्ड एज इवेंट नंबर। यहाँ पे होता है वो इस कॉल्ड एज ईएसटी, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, इस कॉल्ड एज नीचे वाले को एलसीटी, लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम। ओके, सो हम लोग इसका एक बेसिक डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे एक फटाफट, देखिए ये एक्टिविटी का। ओके,
नया पेज यूज़ करता हूँ मैं इसके लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे निकालना है, पाथ निकालना है इसका। तो देखिए बर्ड डायग्राम बनाता हूँ मैं इसका। इस तरह से आपको एक्टिविटी बनानी है फेयर करके, ये देख के आपको बनाना है यहाँ पे। ओके सॉरी, ये एफ है। ये बन गया आपका एक्टिविटी। नाउ एक्टिविटी बन गए। नाउ एक्टिविटी बनने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबरिंग, यहाँ पे मैंने मिल गया नहीं, ओके नंबरिंग कर देता हूँ यहाँ पे। ओके 4, 5, 6 और ये 8। ओके देखिए यहाँ पे करते हैं। अभी यहाँ पे लिखना है आपको ड्यूरेशन, लिखना है क्या लिखना है, ड्यूरेशन। एक्टिविटी ए का ड्यूरेशन कितना है, ओके नीचे लिख दें इसका 1। एक्टिविटी बी का कितना है 4। एक्टिविटी सी का 2। एक्टिविटी डी का 2। एक्टिविटी ई का 3। एक्टिविटी एफ का 3। एक्टिविटी जी का 2। एक्टिविटी एच का 1। एक्टिविटी जे का कितना है, जे का 2 है, आई का 3 है। ओके बन गया आपके मेरा सब। मैंने ये एक्टिविटी के हिसाब से मैंने DIG लिख दिया, टाइम ड्यूरेशन। ओके तो ये बन गया मेरा CPM नेटवर्क का पहला स्टेप। तो मुझे इसमें और भरना है। ओके क्या क्या भरना है, EST भरना है और LCD भरना है। ओके लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम, ओके और EST, ओके इवेंट नंबर, ये अर्लियर स्टार्ट टाइम और ये LCT लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम। ओके सो अभी हम लोग भरेंगे यहाँ पे नंबर। ओके देखिए सबसे पहले एक्टिव स्टार्ट होगा 0 से। क्या होगा यहाँ पे, 0 0 यहाँ पे आना चाहिए, तो ये पहले ये भरना। नाउ 0 to 1 एक्टिविटी ये स्टार्ट हो रहा है 0 पे, कितना टाइम ले रहा है 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओनली यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे अलग अलग इवेंट होते हैं, एक होता है बर्स्ट इवेंट, एक होता है मर्ज इवेंट। ओके देखिए जब जाओगे आगे तो इस कॉल्ड एज अ मर्ज इवेंट, क्या बोलते हैं इसको, मर्ज इवेंट। ये अगर एक्टिविटी फूटती है ऐसे दो पार्ट में, इस कॉल्ड एज अ बर्स्ट इवेंट। ओके इस कॉल्ड एज अ बर्स्ट इवेंट। फिलहाल जब मैं आगे मूव कर रहा हूं तो मुझे मर्ज इवेंट काम में आएगा, जब मैं पीछे आऊंगा तो मुझे बर्स्ट इवेंट काम में आएगा। ओके जब मर्ज इवेंट होगा तो यहां से भी एक्टिविटी आएगी, 8 8 टाइम लेके आएगी, यहां से 9 टाइम लेके आएगी। एग्जाम्पल ना, तो यहां पे आपको क्या करना है, जो मैक्सिमम है 8 और 9 में, कौन मैक्सिमम है 9, तो मुझे 9 यूज करना है कहां पे, इन द केस ऑफ EST के लिए। ओके सिमिलरली जब उल्टा आऊंगा मैं LCD के लिए, तो वो टाइम में मुझे 8 और 9 में से 8 चूज करना है। ओके लोएस्ट चूज करना है। ओके बी केयरफुल। तो देखिए स्टार्ट कर दे, रेड यूज करता हूं मैं EST के लिए और ग्रीन यूज करूंगा मैं, ओके दूसरे के लिए, किसके लिए, LCD के लिए। तो यहाँ पे देखिए मर्ज इवेंट जहां पे आएगा वहां पे कंसेप्ट यूज होना है। ये 1 एंड 4 कितना होगा यहाँ पे, 5। देन 5 एंड 2 कितना होगा यहाँ पे, बड़े क्या है ये मर्ज इवेंट है, ये क्या है मर्ज इवेंट। तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर लिखना है 7, जो मैक्सिमम होगा वो यहाँ पे ऊपर आएगा। देन 1 एंड 2 यहाँ पे डायरेक्ट आएगा 3। देन 3 एंड 3 यहाँ पे 6।
3 and 2 7, वेट करना यहाँ पे, ओके सॉरी 6 and 2 यहाँ पे 8 आएगा, वेट करना यहाँ पे बिकॉज यहाँ से भी एक एक्टिविटी आ रहा है, ये मर्ज इवेंट है, तो मैं लिख दे रहा हूँ ये कॉल्ड एज द मर्ज इवेंट, ये भी मेरा है मर्ज इवेंट, ये भी मेरा से एम इवेंट, ओके जगह नहीं उतना एम इवेंट, ओके एम मतलब मर्ज इवेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 + 3 यहाँ पे 6, मैक्सिमम कौन सा है 8 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे 8 + 1 यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे 1 + 3 सॉरी 1 + 2 3 मैक्स कौन सा है 9, तो यहाँ पे 9, तो 9 + 3 कितना होगा 12, यहाँ पे बाहर लिखोगे 12, तो 7 और 12 में से बड़ा कौन सा है 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। नाउ अभी मुझे स्टार्ट करना है एलसीडी के लिए, क्या करना है मुझे एलसीडी के लिए, ओके तो मैं एक यूज करता हूँ से ब्लैक यूज करता हूँ, तो यहाँ पे एज इट इज आएगा यहाँ पे 12, रिवर्स जाना है, रिवर्स में ये सिंगल डायरेगा, देखिए 12 - 3 कितना होगा 9, तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा 9, यहाँ पे चेक करना है बर्स्ट इवेंट, ओके बर्स्ट इवेंट कौन कौन से है, तो ये है मेरा बर्स्ट इवेंट, ये मेरा बर्स्ट इवेंट, यहाँ पे ही ब्रैकेट आएंगे देखिए, देन रिव्यू नीचे आऊंगा मैं 9, ये 9 ये 1 कितना होगा यहाँ पे 8, 9 - 1 8, नाउ 8 - 2 6, नाउ 6 - 3 क्या आएगा 3, बट ये क्या बर्स्ट इवेंट तो रुकना पड़ेगा यहाँ पे, देन 8 - 3 कितना होता है 8 - 3 5, रुका मैंने यहाँ पे, खत्म हो गया सभी यहाँ के बर्स्ट इवेंट के एक्टिविटीज, तो मिनिमम कौन से दोनों में से 3, तो यहाँ पे आएगा 3, नाउ 3 - 2 बर्स्ट इवेंट है, रुको यहाँ पे 1 आएगा, देन 9 - 2 कितना होता है 9 - 2 7, ओके वेट करो यहाँ पे, देन 12 - 2 कितना होता है 10, डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, 10 - 4 कितना होता है 6, तो कॉमा देखिए 6 लिखो, सबसे लोएस्ट कितना है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1, 1 - 1 0 आया 0 यहाँ पे, तो ये रहा आपका एक्टिविटी, ओके ये बन गया आपका सीपीएम, आपको फाइंड करना है क्रिटिकल पाथ, आपको क्या फाइंड करना है अभी क्रिटिकल पाथ, क्या फाइंड करना है क्रिटिकल पाथ, तो सबसे पहले क्या करना है आपको कितने पाथ है एक्टिविटीज में दिखाना है आपको, देखिए तो हम देखते हैं कितने पाथ है यहाँ पे, ये एक पाथ होगा से ए बी एंड तक जाना है, स्टार्ट और ये एंड, एंड तक जाना है, तो ए बी और जे, ए बी और जे एक पाथ, सेकेंड ए सी और जे, ए सी और आई, ए सी और आई, थर्ड ए डी ई जी आ ए जी एच आई, ओके लिखता हूँ मैं यहाँ पे ए डी ई जी एच और ये आई, फोर्थ है मेरा ए डी एफ एच आई, ए डी एफ एच और आई, ये हो गया पाथ, किस ये सी हो गया ओनली पाथ, पाथ था क्रिटिकल पाथ में, तो यहाँ पे आएगा अभी ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कितने में है मंथ में, तो देखिए ए को कितना टाइम लगता है, ए कंटेन्स 1 month, बी कंटेन 4 month, जे कंटेन 2 month, एडिशन कितना होता है 7 month, सिमिलरली अगेन इसके लिए सेकेंड पाथ के लिए ए कंटेन 1 month, सी कंटेन 2 month, आई कंटेन, आई को टाइम कितना लगता है आई कंटेन 3, टी हो जाएगा 6, सिमिलर इसके लिए ए कंटेन 1, ओके लिख रहा है यहाँ पे ए कंटेन 1, डी कंटेन 2, ई कंटेन 3, जी कंटेन 2, एच कंटेन कितना है एच में कितना लिखा है मैंने ये एच के लिए, एक मिनट एच के लिए लिखा है 1, ओके ये 1 है, ओके तो अच्छे से लिखिए, देखिए मैंने थोड़ा गंदा लिखा था करके समझा नहीं, एच कंटेन 1, देन एच के बाद आई, आई कंटेन 3,
देन ये आएगा कितना हो गया एडिशन इसका 12, देन ए 1, डी 2, एफ 3, एच 1, आई 3, एडिशन करके आएगा 12। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम लेगा उसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल पाथ। तो किसने लिया सबसे ज़्यादा टाइम, इसने, ये पाथ ने 12 मंथ, तो ये ऐसा आएगा। ओके, तो डार्क लाइन करना है इसको डबल एरो करके, ये ऐसा एक, ऐसा एक, ऐसा एक, ऐसा एक, ऐसा एक, ऐसा एक, तो ये हो गया मेरा, क्या बन गया ये क्रिटिकल पाथ। तो ये मेरा 12 वाला मेरा है क्रिटिकल पाथ, समझा आपको ये ना। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट के ऊपर, जो हमको आगे करना है सॉल्व, क्या करना है अभी इसमें मुझे बनाना है, पूरा टेबल बनाना है जिसमें कि सब कुछ हो। देखिए मैंने टेबल ऑलरेडी बना के यहाँ पे रखा है, ओके, नीचे फॉर्मूला भी लिखे हुए हैं मैंने। नाउ एक्टिविटी ए, देखिए अभी ड्यूरेशन कितना है एक्टिविटी ए का, एक्टिविटी ए टेक्स टाइम कितना लेता है, देखिए यहाँ पे ये एज इट इज आपको यहाँ पे लिख देना है, एक्टिविटी ए को 1, 4, 2, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 2, ओके लिख दिया आपने यहाँ पे ना। ये होने के बाद ओके आपको ये अभी देखिए ई एस टी, ओके एक्टिविटी ए, एक्टिविटी ए का ई एस टी क्या है, देखिए इस कॉल्ड एज ई एस टी, जो ऊपर है इस कॉल्ड ई एस टी, नीचे को एल सी टी। एक्टिविटी ए का ई एस टी है मेरा 0, एक्टिविटी बी का ई एस टी मेरा, एक्टिविटी बी ओके अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ओके एक्टिविटी ए ई एस टी यहाँ पे, एल सी टी यहाँ पे, एक्टिविटी बी का है, बी का ये पीछे क्या है, क्या आएगा यहाँ पे 1, ऊपर वैल्यू कितना है 1, ओके ये ऊपर का वैल्यू 1। एक्टिविटी सी का ई एस टी कितना है, ये एक्टिविटी सी है, ये एक्टिविटी सी, एक्टिविटी सी का ई एस टी ई होगा अगेन 1। एक्टिविटी डी, ये एक्टिविटी डी, एक्टिविटी डी का क्या होगा अगेन 1 यहाँ पे आ रहा है ना। एक्टिविटी ई, एक्टिविटी ई के लिए देखिए कहाँ पे एक्टिविटी, ये रहा एक्टिविटी ई, इसका ई एस टी मतलब इसका आई पॉइंट, मतलब ये इसका पीछे का जो है कॉल्ड एज टेल इवेंट, ओके वो कितना है यहाँ पे 3, ओके 3। बी एक्टिविटी एफ के लिए देखते हैं, मतलब एक्टिविटी एफ, ये रहा एक्टिविटी एफ, एक्टिविटी एफ का कितना अगेन 3। एक्टिविटी जी, ये एक्टिविटी जी इसका कितना है, इसका ये, इसका ई एस टी कितना है 6। एक्टिविटी एच, ये रहा एक्टिविटी एच, इसका टेल इवेंट कितना है, ऊपर कितना है ई एस टी 8, तो यहाँ पे 8। एक्टिविटी आ है, ये एक्टिविटी आ है, एक्टिविटी आ का ई एस टी कितना है 9, ये हो गया 9। एक्टिविटी जे, ये एक्टिविटी जे, एक्टिविटी जे का टेल पकड़ो, टेल में कितना है यहाँ पे 5, ऊपर का, ऊपर का वैल्यू, ओके ऊपर का वैल्यू चेक नहीं करना है, ओके ई एस टी। हाँ ना एल सी टी, अभी देखते हैं लेटेस्ट कंप्लीट टाइम कितना होता है इसका। एक्टिविटी ए का अभी पीछे देखा ना, अभी आपने हेड इसका टेल देखा था, अभी हेड देखिए कितना है लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम, टेल देखने का और टेल में नीचे देखने का, देखिए बता दो मैं कैसे। सो एग्जाम्पल एक्टिविटी ए है, ये एक्टिविटी है, ये होगा ई एस टी इसका और ये होगा एल सी टी इसका, ओके नीचे वाला वैल्यू, ओके ये वाला वैल्यू और इसके लिए ये वाला ई एस टी के लिए ऊपर वाला वैल्यू टेल का और एल सी टी के नीचे वाला वैल्यू हो गया एल सी टी, ओके। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी ए कितना होगा इसका एल सी टी 1, एक्टिविटी बी का कितना होगा 10, एक्टिविटी सी का होगा 9, एक्टिविटी डी का होगा 3, एक्टिविटी ई का होगा 6, एक्टिविटी एफ का होगा 8, एक्टिविटी जी का होगा 8, ओके एक्टिविटी जी का, एक्टिविटी जी है, एक्टिविटी जी का भी होगा मेरा 8, ओके बराबर। एक्टिविटी ई, एक्टिविटी ई का 6, एक्टिविटी एफ का 8, ओके एक्टिविटी ई हो गया, ओके नाउ एक्टिविटी एच का होगा मेरा 9, एक्टिविटी आई,
एक्टिविटी आई का होगा मेरा 12, एक्टिविटी जे का होगा मेरा 12। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप लोग। ओके, सो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट टोटल फ्लोर। ये फॉर्मूला है, एक बार देख लीजिए फॉर्मूला। टोटल फ्लोर क्या होता है, एलसीटी माइनस एलईएसटी माइनस डीआईजे। ओके, जस्ट यहाँ पे लिखना है आपको, क्या लिखना है आपको। ओके, यहाँ पे भी ये सब कुछ काम नहीं है, बाद में काम आएगा इसका, देखते हैं इसको। यस, यहाँ पे देखिए क्या है, एलसीटी माइनस ईएसटी माइनस डीआईजे के 1 - 0 - 1 - 0 - 10 - 1 - 9 - 9 - 4। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा कितना होगा, ये वैल्यू देखिए, तो ये आएगा यहाँ पे 5, 9 - 1 - 8, 8 - 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, देन 3 - 1 - 2, 2 - 2 - 0, 6 - 3 - 3 - 0, 8 - 3 - 3 यहाँ पे हो जाएगा 2, 8 - 6 - 2 ये हो जाएगा 0, 9 - 8 - 1 ये हो जाएगा 0, 12 - 9 - 3 ये हो जाएगा 0, 12 - 5 - 7 ये हो जाएगा 5। नाउ इसके बाद आएगा फ्री फ्लोट। तो फ्री फ्लोट के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है फ्री फ्लोट का। तो ये फॉर्मूला है फ्री फ्लोट का, देखिए। अब मुझे डायग्राम भी लगेगा। अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम ऑफ सक्सेडिंग इवेंट माइनस अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम ऑफ प्रीसीडिंग इवेंट माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन। ओके, फ्री फ्लोट देखिए, अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम ऑफ सक्सेडिंग इवेंट मतलब ये सक्सेडिंग इवेंट और ये प्रीसीडिंग इवेंट माइनस डीआईजे। ओके, ये ईएसटी अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम, ये होगा ऊपर वाला अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम ऑफ सक्सेडिंग इवेंट, ये ऊपर का अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम ऑफ प्रीसीडिंग इवेंट मतलब इसके ऊपर का ए के लिए, और ये एक्टिविटी ड्यूरेशन मतलब ये नीचे का वन। ओके, सो देखते हैं हम लोग फ्री फ्लोट ए के लिए क्या होगा। फ्री फ्लोट ऊपर का अर्लीस्ट ऑकरेंस वन माइनस डीआईजे माइनस जीरो, तो कितना होगा ये फ्री फ्लोट जीरो। बी के लिए 5 - 4 - 1 कितना हो जाएगा जीरो। सिमिलरली सी के लिए 9 ऊपर का 9 - 2 - 1 तो ये हो जाएगा आपका 6। देन डी के लिए 3 - 2 - 1 - 1 - 0। देन क्या है मेरा ई, ई के लिए यहाँ पे आएगा 6 - 3 - 3 कितना हो जाएगा जीरो। देन मेरा आएगा यहाँ पे कौन सा वैल्यू, देखिए यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैं फोल्ड कर लेता हूँ, बेटर पड़ेगा। नौ ये हो गया, नौ क्या है मेरा एफ, एफ के लिए क्या आएगा 8 - 3 - 3 तो कितना आएगा 2। जी के लिए क्या आएगा, ये रहा जी किधर गया, 8 - 2 - 6 जीरो। देन जी के बाद है मेरा एच, एच में आएगा 9 - 1 - 8 कितना आएगा जीरो। देन जी के बाद आई, आई होगा 12 - 3 - 9 जीरो। देन जे के लिए आएगा मेरा 12 - 2 - 10 - 5 ये आएगा यहाँ पे 5। ओके, नाउ नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे फ्री फ्लोट के बाद है मेरा इंडिपेंडेंट फ्लोट। ओके, इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होता है, अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम ऑफ सक्सीडिंग इवेंट माइनस लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रीसीडिंग इवेंट माइनस डीआईजे। मतलब ए के लिए क्या होगा, ये वैल्यू अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम ऑफ
सक्सेडिंग इवेंट माइनस डी आई जे माइनस लेटेस्ट कंप्लीटेशन टाइम ऑफ द प्रोसीडिंग, मतलब ये नीचे का, ये माइनस ये माइनस ये, ओके, किसके लिए? इंडिपेंडेंट फ्लो के लिए, ओके। सो देखते हैं हम लोग कैसे होगा ये। देखिए वन के लिए वन माइनस वन जीरो, ओके, क्या हो जाएगा ये? जीरो। सिमिलरली बी के लिए फाइव माइनस फोर वन हो गया, वन माइनस नीचे का वन तो हो गया ये जीरो। सी के लिए ऊपर का नाइन फिर ये माइनस टू फिर ये नीचे का वन, कितना हो गया यहाँ पे? सिक्स। बाद में डी, ओके, ऊपर का तीन फिर ये डी आई जे टू बाद में नीचे का वन, तो ये हो गया जीरो। तो ई के लिए क्या आएगा? ऊपर का सिक्स माइनस थ्री माइनस ये नीचे का थ्री, तो ये हो गया जीरो। देन उसके बाद एफ के लिए ऊपर का एट माइनस थ्री ये माइनस थ्री, कितना हो गया ये? टू यहाँ पे आएगा। देन एच के लिए ऊपर का नाइन फिर ये वन एट फिर ये नीचे का एट, ये हो गया जीरो। एच हो गया, एच के बाद आएगा मेरा क्या है, ओके सॉरी जी भूल गया, ओके वेट जी यहाँ पे आएगा, ओके ये जी का होगा, जी का होगा एट माइनस टू माइनस सिक्स, ये हो जाएगा जीरो, ओके जीरो ही है यहाँ पे। एच के बाद एच सॉरी जी के बाद एच, एच है मेरा नाइन ऊपर का नाइन माइनस वन और नीचे का एट, ये हो गया जीरो। बाद में है मेरा इसके बाद आय, ये रहा आय ऊपर का ट्वेल्व माइनस थ्री, ओके नाइन हो गया फिर ये नाइन माइनस नीचे का नाइन, ये हो जाएगा जीरो। सिमिलरली अभी जे के लिए ऊपर का ट्वेल्व माइनस टू टेन हो गया फिर नीचे का ये टेन, कितना हो गया? जीरो, ओके। देन ई एफ टी क्या है फॉर्मूला? ई एफ टी इक्वल टू ई एस टी प्लस डी आई जे, ये रहा ई एस टी प्लस डी आई जे करो ये हो जाएगा वन, फिर ये दोनों को एडिशन करो, ये पूरा यहाँ पे फिलअप करो, ये हो जाएगा फोर प्लस वन फाइव, टू प्लस वन थ्री, थ्री सिक्स, सिक्स एट नाइन ट्वेल्व और ये सेवन। देन बाद में क्या है? एल एस टी एल सी टी माइनस डी आई जे, ये रहा एल सी टी माइनस डी आई जे करो, वन माइनस वन जीरो, टेन माइनस फोर सिक्स, नाइन माइनस टू सेवन, थ्री माइनस टू वन, सिक्स माइनस थ्री थ्री, एट माइनस थ्री फाइव, एट माइनस टू सिक्स, नाइन माइनस वन एट, ट्वेल्व माइनस थ्री नाइन, ट्वेल्व माइनस टू टेन। बाद में स्लैक एल एस टी माइनस सी एल एस टी माइनस ई एफ टी, तो ये हो जाएगा जीरो, ओके स्लैक होगा एल एस टी माइनस ई एस टी, ओके तो ये हो जाएगा, ओके एस टी माइनस डी आई जे स्लाइ आएगा माइनस तो आएगा जीरो आ जाएगा यहाँ पे। बाद में सिक्स माइनस फाइव, ओके एक्चुअली मैंने इधर का स्लैग द फॉर्मूला ऑफ स्लैग एल एस टी माइनस, ओके ई एस टी, ओके ई एस टी नॉट ई एफ टी, ओके एल एस टी माइनस ई एस टी, ये एल एस टी, ओके एल एस टी माइनस ई एस टी जीरो, देन सिक्स माइनस वन फाइव, देन सेवन माइनस वन सिक्स, वन माइनस वन जीरो, थ्री माइनस थ्री जीरो, देन फाइव माइनस थ्री टू, सिक्स माइनस सिक्स जीरो, एट माइनस एट जीरो, नाइन माइनस नाइन जीरो, टेन माइनस फाइव फाइव, ओके। तो ये रहा आपका टोटल सम, सॉल्व हो गया यहाँ पे आपका ये, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।